तो पिन का दिस इज पिन कटिंग दिस इज इंसर्टेड इज ऑस्टियोट में दूसरे साइड भी सेम ही है 11 सेंटीमीटर डॉक्टर मोर सक्सेसफुल स्टोरी विद एंड लंदन 11 मैनेज बाय हिमसेल्फ खड़े हो सकते हैं क्रच से प्रॉपर वॉक कर सकते हैं तो अभी तक की इनकी जर्नी जानते हैं कि स्टार्टिंग टू एंड कैसी रही है क्रॉस में जैसे कि हमने बताया डायग्नली करते हैं वन साइड का फीमर एंड अदर साइड का टिबिया ऐसे ही इनकी सर्जरी हुई थी दोनों सेगमेंट के बीच में फोर वीक का गैप था उसके बाद हमने दूसरा सेगमेंट किया था तो लेंगे तो ले yeah. और एक महीना गैप टूप मंथ तो रिकवरी रिकवरी प्रॉपर क्रच पे आ गए तो स्टार्टिंग टू एंड बात करें बाकी आपके जनरल डिस्कशन के वीडियोस तो डले हुए हैं तो अगर ये शॉर्ट में बात करें फ्रेम वाली

क्रॉस में ना तो फ्रेम्स में कैसा था कि मेरा टॉलरेंस लेवल सबका अलग अलग होता है जैसे तो मेरा फीमर ज्यादा अच्छा था कंपेयर टू टीबिया टीबिया भी अच्छा ही था लेकिन टीबिया में थोड़ी पिन कटिंग होती थी तो वो मुझे थोड़ा परेशानी होती थी बाकी आप बोलो तो फीमर मेरा एकदम अच्छा गया कंपेयर टू टीबिया अच्छा था कंपेयर टू टीबिया टीबिया मेरा ये था कि बस एक पिन कटिंग थी तो उसमें थोड़ा मुझे ऊपर पैर या मूवमेंट में थोड़ा सा दर्द होता था बाकी तो अच्छा ही था जैसे मैनेज आराम से मतलब अगर कुछ हो भी गया दर्द भी हो गया तो पेन किलर लिए तो मैनेज हो जाता था बट ऐसा तो नहीं 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 था था कि बहुत ज़्यादा वैसा पेन नहीं होता था। ये मैनेजेबल पेन है वो होता रहता है आता है कभी बोलते हैं ना कभी आ जाता है कभी चले जाता है अप्स एंड डाउन वाले बात है क्योंकि अभी किसी और का मैं किसी ने एक रिसेंटली एक वीडियो डाली हुई उसमें था कि मेरे बहुत ज्यादा पेन था रियलिटी बताते नहीं है इसमें सर्जरी करा लो तो बहुत कुछ होता है तो ऐसा है कुछ क्योंकि हमारे पास तो मल्टीपल एक पेशेंट में तो डिफ्रेंशिएट करना बहुत, बहुत।, बहुत।, बहुत। कि आपके पास एक ही पेशेंट है उसमें उसको पेन हो रहा है हर किसी के बॉडी का टाइप अलग है मे भी आपके पास एक ही पेशेंट आपको मैनेज करना ना आता हो जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ मे भी हम लोग अपने उसमें आपको बताएंगे भी जो एक पेशेंट हमने अभी रिसेंटली देखा है तो ऐसे स्टोरी देखने से पहले सोचें कि वो कहाँ है तो करवाया है हाँ वो भी कैसे कि जैसे मैं अपना ही बता दूँ मेरा टॉलरेंस लेवल तो ठीक अच्छा ही था तो मुझे तो ऐसा कुछ ऐसा पेन नहीं था कि हाँ कि अनकंट्रोलेबल है कि अभी तो निकालना ही पड़ेगा हो गया बस अभी कुछ नहीं करना ऐसा तो नहीं था कि मैं जो कौन सा भी मेड पेन किलर थी तो वो ले ली तो मैंने हो जाता था उससे तो पेन अच्छा ही था वो टाइम तो निकल गया पूरा ये फ्रेंड्स तो माइंड मेकअप किया हुआ था पहले से कि ये सब कुछ हो सकता है हाँ वो तो देखो सर्जरी है तो उसमें ऐसी सब चीज तो पेन होने वाला है जैसे मेरी एक पहले भी साइनस की सर्जरी हो चुकी थी तो पता था कि सर्जरी कैसे होती है क्या होती है तो एक माइंडसेट था मेरे माइंड में बट दिस इज स्टिल बिग सर्जरी या इट्स वेरी बिग सर्जरी मेन तो आपकी पूरी बॉडी इस पर डिपेंड होती है वॉकिंग एंड ऑल एवरी तो था माइंड में कि हाँ तो पेन तो आने वाला है तो ऐसा भी नहीं था कि पूरा मैं करके के बहुत पेन आ जाएगा क्या करूँ अभी मेरे से कुछ हो रहा नहीं है कुछ काम भी नहीं होगा कि अभी तो बोल दूँ कि प्लीज रिमूव इट है ऐसा कुछ नहीं था हाँ देखो पेन आपने सर्जरी की बोन्स ब्रेक हुई है आपकी तो ऑफ कोर्स पेन आने वाला है वही डिपेंड होता है किसका ज़्यादा आ सकता है किसको बहुत कम आ सकता है मैंने तो ऐसे भी यहाँ पे पेशेंट्स देखे जिन्होंने तो

तो उसमें थोड़ा डिस्कम्फर्ट भी ज्यादा होता है तो तो इसलिए मैंने यही किया कि मैंने कियाटर नहीं करके क्रॉस चूज किया क्योंकि उसमें कैसा है कि एक ही तरफ एक फ्रेम होगा और दूसरा टीबिया पे होगा तो वो कंफर्टेबल उसमें ज्यादा है कंपेयर टू तो दोनों साइड अगर फीमर कराता तो डू यू थिंक वो आइडिया अच्छा था आपका मेरे लिए तो बहुत अच्छा था अगर मैं बोलू तो कम्पेयर टू मेरे लिए तो अच्छा ही गया मेरा फीमर बहुत अच्छा ही गया तो मैं बोलूंगा यार मेरे लिए तो अच्छा था

और उसके अंदर भी हम लोग है ना इंसोल्स डाल देते थे तो बाद में उसमें भी अगर देखते यार अच्छा लग रहा है इसमें तो कॉन्फिडेंस आ जाता था, था उसमें तो वो कितना सिर्फ दो ढाई इंच या मैक्स टू मैक्स अगर अनकंफर्टेबल में देखोगे तो तीन इंच हाँ और वो टेम्प्रेरी उसमें ये होता था कि बाहर जाओगे तो ये आपका कॉन्फिडेंस आए घर आओगे तो वापस ऐसा लगेगा यार तो निकाल कि वापस छोटे हो गए क्या हो गया तो वही था एक मन में कि यार कुछ करना है तो परमानेंट करना है ये चीज का तो ये था कि पहले ये चीज का मुझे पता पहले भी था कि लिम लेंथनिंग करके ऐसी एक सर्जरी होती भी है लेकिन ये नहीं पता था कि कहाँ पे होती है कैसे होती है क्या फेसेस है उसमें क्या क्या होगा आगे तो ये था 2021 में फिर ज्यादा मैंने रिसर्च किया इसके बारे में कि कहाँ पे होती है तो मैं ऐसे फिर फॉरनस का ही होता था तो वो टाइम मेरे ख्याल से इतना इंडिया का पता नहीं था मुझे सोशल मीडिया के रिगार्डिंग तो सर्च करते 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 बाद में अराउंड 2024 में मुझे हाइट इंक्रीज टीम के बारे में पता चला तो मैं बोला इंडिया में भी होती है ऐसी सब चीज़ें तो फिर मैंने उनसे कांटेक्ट किया हृदय सर चेंज से तो फिर बाद में कंसल्टेशन वो सब किया सर ने एंड ऑल तो फिर मैंने डिसीजन ले लिया कि मार्च में आके मेरे को सर्जरी का टाइम लगा ये सब कुछ डिसाइड करने में कि हाँ सर्जरी कराते हैं और मतलब तो ये ट्रस्ट बिल्ड करने में अपने आप में कि

तो वो टाइम और होने लग गया मुझे के, के, के छोटा हो उनसे तो एक कॉन्फिडेंस बहुत नीचे हो जाता था वो टाइम मेरा तो और कैसे के लड़कियों की भी हाइट लंबी होने लग गई मेरे हाइट से भी तो वो एक और हो जाता था कॉन्फिडेंस कम हो जाता था उससे तो मैं यही था कि हाइट करानी है देखते हैं कि क्या हो सकता है सर्जरी तो पता था ये नहीं पता था कि कहाँ करनी है टर्की का पता था अमेरिका का पता था सब जगह का पता था लेकिन वो कैसे कि कॉस्ट का एक तो बहुत मेजर रोल है दूसरा लैंग्वेज का बैरियर आ जाता है उसमें और एक फॉरेन कंट्रीज में जाओगे तो आपका कुछ आपको पता आइडिया नहीं होता कि कैसे क्या करना है तो वही था फिर अक्टूबर uh, के आई थिंक सो के हाई हाइट इन फोर्टीन का एक वीडियो आया था यूट्यूब पे मेरे पास तो मैंने वहाँ से फिर सर्च किया तो, तो मेरे तो कैसे मेरी फैमिली को पता था रिगार्डिंग इसके बारे में मैंने बता दिया था उनको कि ऐसी ऐसी सर्जरी है और मुझे करनी है वो पहले तो अपोज किए मुझे के, के, के नहीं क्यों करा नहीं क्या जरूरत है चल नहीं पाएगा फिर कभी फिर बूढ़ा होएगा तो क्या होगा दिक्कत हाँ दिक्कत बहुत होगी पहले जैसे बोन नहीं रहेगी चल नहीं पाएगा वैसे एंड ऑल तो उनको मैंने समझाया ऐसे एंड कन्विंस किया उनको टू थ्री मंथ्स लगे मुझे और फिर बाद में अक्टूबर से मैंने सर से मतलब यहाँ से स्टाफ से और सर से बात करना चालू किया रिगार्डिंग दिस और फिर सर को मैंने कंसल्ट कर दिया अराउंड आई थिंक सो फेबर फेब में ही मैंने कंसल्ट कर दिया सर को कि मुझे करनी है सर्जरी एंड और फिर मैं मार्च में आ गया यहाँ पे सर्जरी करने के लिए तो फिर बाद में सर्जरी मेरी नाइन्थ ऑफ तो मार्च को सर्जरी भी परफॉर्म की फर्स्ट सर्जरी हो गई मेरी फर्स्ट सेगमेंट हुआ या फर्स्ट सेगमेंट फर्स्ट सेगमेंट में हमने लेफ्ट का फीमर राइट right का या, या तो फर्स्ट सर्जरी वो हो गई टू मंथ्स मेरा लेंथनिंग में चले गए फर्स्ट सर्जरी में और टू मंथ्स के बाद मेरा फ्रेम्स निकल गए थे फिर फिर वन मंथ एक रिहाब फेस में देना पड़ता है कि आपको आपकी बॉडी को हिल होने देना दे दे। बेंडिंग प्रॉपर आ जाए हाँ एक एक मेन तो बेंडिंग चाहिए ऑलरेडी एक ट्रॉमा से आपने हाँ पर, और बॉडी को थोड़ा हील होना चाहिए उसके लिए तो इसलिए करके के एक मंथ का तो कंपलसरी एक छोट गैप देना चाहिए

तो वो ये नहीं पसंद था मुझे कि बेड पे ज्यादातर समय तो हमारा बेड पे ही जाता है क्योंकि ऑफ कोर्स इतना ज्यादा मूवमेंट नहीं रहता है वो समय तो ये था कि यार अभी वापस वो फेस से जाना पड़ेगा क्योंकि जो रिहाब फेस होता है ना बीच में एक महीने का उसमें कैसे कि हम सब कर पाते अपना कर वॉक करते ये करते जिम जाते तो बहुत और सबसे मिलते तो एक एंजॉयमेंट हो जाती है लेकिन फिर वापस फ्रेम्स लगे तो वो एक हो जाता यार अभी वापस फ्रेम्स लगेगे और फिर वापस इतना ये करना पड़ेगा रोज लेंथनिंग करो वो करो तो था एक थोड़ा आता था मन में लेकिन वही था करके के हो जाएगा ये भी टाइम निकल जाएगा तो फिर सेकंड सर्जरी हुई उसमें भी अराउंड टू मंथ्स एंड फोर डेज हुआ बस लेंथनिंग में और फिर उसमें फेज डिफिकल्ट था कि फर्स्ट पेन पेन वाइज वाइज अगर बात तो मैं बोलूंगा तो फर्स्ट में मुझे थोड़ा ज्यादा लगा रहेगा कंपेयर टू फर्स्ट में न्यू रहता है सब कुछ और सेकेंड में कैसे हम वो चीज से गुजर गए तो हमें एक एक्सपीरियंस आ जाता है वो चीज का कि क्या करना है क्या नहीं है तो हमें पता नहीं है कि ये क्या होता है मैम तो उनको हमेशा हम पूछते रहते मैम ऐसा हो गया थोड़ा डर लगता है ऐसा हो गया क्या करना है इधर पेन आ रहा है मैम कुछ ठीक तो हो जाएगा तो मैम तो वही हमारे में रहता था कि हाँ लेकिन सेकेंड में हुआ तो ऐसा नहीं कि हो सब पता है हमें कैसे किया कैसे क्या करके के ये पेन है ठीक है ये हो जाएगा रिकवर हो जाएगा तो सेकंड थोड़ा मैं बोलूंगा इजी हो जाता है कंपेयर टू फर्स्ट टाइम दैट पेन वाइज इतना नहीं था कि हाँ उतना मैं ड्रास्टिक चेंज नहीं बोलूंगा पेन वाइज यही बोलूंगा कि फर्स्ट टाइम में कुछ चीज का तो ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस मेडिकेशन कितना लेना पड़ा मैं अपने जर्नी में बताऊं तो फर्स्ट सर्जरी में मैंने अराउंड दस पेन किलर्स ही लिए रह गए वो भी ऑलमोस्ट जब मेरा ये जब फ्रेम्स निकलने वाले थे दो पीरियड में हाँ टू मंथ्स पीरियड में जब मेरे लास्ट का थोड़ा बचा रहेगा तब सेगमेंट लेंथनिंग uh, का तो उसमें दस पेन किलर्स लिएकेंड में भी अराउंड टेन ही लिए रह रहे टेन सिक्स एटरऑल से मैनेजेबल हाँ मैनेजेबल था।, था मुझे वो भी मैं इसलिए नहीं लेता था कि पेन हो रहा है करके मैं इसलिए लेता था बोर्ड टाइम आप देखोगे कि अभी सोना है तो डिस्कम्फर्ट थोड़ा हो गई फ्रेंड्स लगे तो ये था कि पेन किलर ले लेता हूँ और सो जाता हूँ कि नींद नहीं खुलनी चाहिए नहीं। वो चीज़ के तो उसलिए लेता था मोस्टली मैं तो ऐसे तो 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 स्लीपिंग का सबसे बड़ा डिस्टरबेंस रहता है हाँ देखो सबसे ज़्यादा डिस्टरबेंस तो वही रहेगा आपकी स्लीपिंग पे क्योंकि फ्रेम्स लगे तो डिस्कम्फर्ट होगा तो अगर आपको कौन देखो आप सोए

अच्छा है प्रीवियस तो दोनों हील हो ही चुके हैं और ये भी अच्छा कैलस बन रहा है तो ये जो डिसीजन लिया था इतना टाइम दिया है डू यू थिंक इट्स वर्थ इट अभी इस स्टेज पे पूछे तो देखो मेरा सर्जरी में बोलो तो एकदम मैं बोलूँगा पेन तो था थोड़ा लेकिन अच्छा ही गया मेरा सर्जरी और जो डिसीजन मैंने लिया था मैं तो बोलूँगा रिग्रेट नहीं कर रहा क्योंकि कुछ चीज़ मिली है मुझे ऐसे बोलते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है तो कुछ ना कुछ तो हमें सेक्रीफाइस तो करनी पड़ेगी कुछ चीजें जैसे टाइम दे दिया आपका आपकी वो कौन सी जो चीज आप कर पाते थे वो समय तो आपने वो सब एक साइड में रखा लाइफ के सिक्स सेवन मंथ दिए जो हाँ। हाँ। परमानेंट कैसे क्या सिक्स सेवन मंथ्स आपने दे दिए वो लाइफ के लेकिन अभी जो चीज रहेगी वो परमानेंट रहेगी लाइफ लॉन्ग अब वो नहीं मिल सकती वैसे हाँ वो वैसे भी नहीं मिल सकती कौन सी चीज आप कुछ भी लो अगर आपको कौन बोल रहा है कि लाइक सप्लीमेंट्स ले लो ये ले लो लेकिन कैसे कि एक बार आपकी बोन फ्यूज हो गई उसके बाद में कौन से भी मेडिसिन काम नहीं करेगी उसके ऊपर तो यही था कि सर्जरी से एक चीज है जिससे आपकी हाइट इंक्रीज हो सकती है तो वही था कि थोड़ा तो आपको टाइम देना पड़ेगा उस चीज के लिए थोड़े तो कुर्बानी बोलते हैं ना वो करनी तो पड़ेगी कुछ चीजें की तो ही आपको कुछ मिलेगा ऐसे ही कि बहुत ज़्यादा हो रहा है. नहीं, नहीं, वैसे okay. नहीं. वैसे तो मैं अभी अपने आप को देखता हूँ मिरर में करता हूँ. कैसा लगता so, है अभी? Yeah, so, वो जब, जब स्टैंड किया था मैं तो बोलूंगा जब मैंने पहली की थी जब फर्स्ट रिमूवल हुआ था

फर्स्ट टाइम जब स्टैंड हुआ तो बहुत डिफरेंस लगा मुझे तो बहुत डिफरेंस लगा करके हाइट गेन हो गई ये सब चीज और फिर सेकंड टाइम स्टैंड हुआ तब भी एक डिफरेंस दिखा के और हाइट बढ़ गई अभी तो, तो अभी लगता है कि तो 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 कैसा लगता है एकदम तो अंदर से फीलिंग वो कैसी फीलिंग आती है अंदर से तो मैं मेन तो वही रहता है कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया बहुत ज्यादा करके अभी लोगों को देखता हो कि यार इतना लंबा हो गया यहाँ तो खैर एवरीबडीज एवर, मतलब सब लोग लो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके ठीक है रियल डिफरेंस जब घर हाँ, वो दे मेजर एक डिफरेंस होगा जब हम घर जाएंगे तो वहाँ पे घर जाने के टाइम कैसा रहेगा कि हमारे फेमिली में उनकी हाइट हमेशा हम कंपेयर होती है क्योंकि अभी एकदम से बढ़ के दिखेगा उनको तो सडन चेंज दिखेगा एकदम मुझे भी उनको उनसे कंपेयर करूंगा तो मुझे भी बहुत चेंज दिखेगा तो वो टाइम का रिएक्शन क्या पता क्या होगा घर पे जाऊंगा तो तो एक्साइटमेंट होगा हाँ, और मैं तो बताया नहीं करूँ लोगों को कि मैं आ रहा हूँ अच्छा भी बताया नहीं, नहीं नहीं नहीं, बताया मैंने मैं वही है कि यहाँ से जाऊंगा और सीधा घर पे जाके डोर डोरबेल बजाऊंगा उधर जाऊंगा तो फिर देखे गए अरे तो वो एक सरप्राइज होगा सबसे बड़ा हाँ सो डू यू वॉन्ट टू गिव एनी डिसीजन जो कराने का सोच रहे हैं जिनके माइंड में ये डर रहता है कि बहुत पेनफुल है क्योंकि मैंने देखा है लोग ऐसी ऐसी वीडियोस भी डालते हैं जिनको एक्सपीरियंस नहीं है कभी कहीं से एक पेशेंट मिल गया उसका कर दिया गलत वीडियो बना के डाल दिया क्योंकि उससे भी इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पर कि बहुत पेन होता है नहीं कराना चाहिए ऑब्वियसली दिस इज योर डिसीजन बट जो रियलिटी है वो आपको बिल्कुल जाननी चाहिए कॉस्मेटिक पेन कितना होता है तो ऐसी जगह को तो अवॉइड ही करना चाहिए जहाँ एक पेशेंट है या फिर सिर्फ डॉक्टर प्रमोट कर रहा है कि हम सस्ते में सर्जरी कर देंगे हाँ वो भी ऐसी अच्छा। अच्छा। अच्छा जगह बिल्कुल अवॉइड करेंगे क्योंकि जो सिर्फ पेशेंट लेने के लिए बोलते हैं हम सस्ते में सर्जरी कर देंगे इतने में ऐसा कर देंगे ऐसी जगह बिल्कुल अवॉइड करें और जिनको एक्सपीरियंस नहीं है एक पेशेंट है या फिर कहीं से वैसा वीडियो डाल दिया तो ऑब्वियसली वहां से आपको नेगेटिव रिव्यू ही मिलेगा तो उन लोगों के लिए रियल अपने रिव्यू से के बेसिस पे क्या बोलना चाहोगे जो लोग कराना चाहते हैं या फिर सर्च कर रहे हैं या फिर माइंड में जिनके थॉट है कि यार ऐसा कुछ होता है कि लिम कराएंगे तो क्या होगा जैसे आपने बोला कि आपके पास भी पेशेंट आए रह गए जैसे दूसरी सर्जरी कहाँ पे कर दी किसने बोला डॉक्टर ठीक है आप सर्जरी कर दो और फिर वो चले जाते है घर पे तो बोले हो जाएगा हो जाएगा एंड इंडोर ऐसे तो केसेस भी यहाँ पे आए हुए आते। तो वही चीज है कि कैसे है की मोस्टली डिपेंड्स ऑन के एक्सपीरियंस कितना है उनके पास जैसा आपके पास फिफ्टीन सिक्सटीन ईयर्स का एक्सपीरियंस ऐसे लोग बोलते हुए हमारे पास चीजें हैं तो हम दिखाएंगे हाँ ऑफकोर्स अगर देखो किसके पास पैसा है तो वो ऑफकोर्स वो चीजें ले गया ऐसा थोड़ी वो कि वो छुपा के रखेगा कि मैंने आईफोन लिया ऑफकोर्स सब चीजें करेगा ना हमारे तो पास पेशेंट है हम कर रहे हैं तो हम बताएंगे या, हाँ, या तो यही रहता है करके कि देखो इट्स फर्स्ट तो ये आपकी चॉइस है कि आपको करना है नहीं करना है डिपेंड्स ऑन यू आपको अगर लग रहा है कि करना है तो हाँ आप कर सकते हो सर्जरी इसमें कुछ नहीं है लेकिन ये दिमाग में रखना है कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि उधर कितने पैसे में हो रहा है उधर कितने पैसे में दस दस जगह पूछेंगे और फिर बोलेंगे हाँ मैं सस्ता कर दूंगा वो बोलेंगे टू लैक्स थ्री लैक्स में हम सर्जरी परफॉर्म कर देंगे और फिर आप घर ये तो मेरे को तो लगता नहीं है तो ऐसे अबाउट लाइफ हाँ। अगर लेग में कुछ हो गया तो हाँ। उसके ऊपर से आप ट्रिपल और फोर टाइम अमाउंट वैसे हाँ। ही लगाओगे वही और आपका टाइम भी जाएगा बहुत चीजें इन्वॉल्व मेन तो लाइफ का सबसे बड़ा इशू है मनी तो सेकंड फेज हो गया और मेन तो लाइफ है अगर आपके पैर है तो सब कुछ है तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि जिसके पास एक्सपीरियंस हो जिन्होंने ये सर्जरी बहुत टाइम की है तो उनके पास ही कराओ क्योंकि लाइक वन टू लैक्स या थ्री लैक्स आपको मैटर नहीं करेंगे जब आप देखोगे कि आपकी लाइफ इस पर कितनी वर्थ है क्योंकि वन टू लैक्स रुपीज आपके लाइफ के सामने कुछ भी नहीं है वो वर्थ नहीं है वर्थलेस है तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि सर्जरी आप आपको करनी है तो कर सकते हो ऑफकोर्स ये कॉस्मेटिक सर्जरी है तो जैसे मैं भी आया था तो सर ने पहले पूछा था आपको क्यों करनी है तो वो एक रहता है कि कि आपको किसी से नहीं आ, नहीं फोर्स आपका एक है करना है तो ऑफकोर्स इसमें पेन होगा सब कुछ होगा तो आपको वो बेरेबल करना होगा ये सब चीजें तो ये था कि मेरा तो माइंडसेट था कि मुझे सर्जरी करनी है तो मैं ये बोलूंगा कि आप कर सकते हैं आपको अगर सर्जरी करनी है तो कर लो तैयार well, like yeah. yeah, करके आना चाहिए वो सब चीजें ऐसे नहीं कि लाइक सर्जरी हुई के टू थ्री मंथ्स में आप चल रहे हो भाग रहे हो ऐसा कुछ नहीं होता तो वही है कि आप टू थ्री मंथ्स फ्रेम्स में रोगे फिर बाद में धीरे धीरे आपकी वॉकिंग स्टार्ट होगी आप स्टैंड हो गए वॉकर से हो गए तो अगर किसी को हेयर लाइन या नॉर्मल फ्रैक्चर भी हो जाता है उसमें भी ये अगर किसका अब मैं बोलू की लाइक नी रिप्लेसमेंट भी किया या कुछ भी कर दिया तो एटलीस्ट टू मंथ्स बेड रेस्ट भी लेते सिक्स मंथ्स रिकवरी में भी चले जाते हैं उसमें भी तो ये तो पूरे बोन के बीच में इतना बड़ा गैप है आप एक सिंपल फ्रैक्चर भी हो जाएगा तो डॉक्टर आपको बोलेगा एटलीस्ट थ्री मंथ्स तो आप ज्यादा कुछ तो अवॉइड ही करो तो इतना बड़ा गैप होने के बाद तो आपको एटलीस्ट उसको वन ईयर तो देना ही चाहिए प्रॉपरली मतलब हाँ। तो इतना माइंड में टाइम रखे टाइम हाँ। तो टेकिंग प्रोसेस टाइम हाँ। टेकिंग प्रोसेस हाँ। नहीं हो सकता नहीं हो सकता बिल्कुल नहीं हो सकता नहीं हो सकता मेरे कल होते तो हम सर्जरी भी नहीं करते लाइक हो गया हम बढ़ गए हो गए सब कुछ लेकिन नहीं होते हाइट इंक्रीज के बारे में इन में इन हमारी टीम के साथ कैसा टाइम निकला है कुछ बोलना चाहेंगे देखो जब मैं आया था जब सर्जरी हो गई मैं बोलता यार कैसे टाइम निकलेगा बहुत लंबा, लंबा लंबा लग रहा है इतना अभी वो टाइम देखता हो ये टाइम लगता है यार सेवन मंथ्स हो गए यहाँ पे पता नहीं चला तो मुझे यही बोलते थे सब लोग यार पता नहीं चलेगा सेवन मंथ भी मतलब महीना तो ऐसे, ऐसे ऐसे चले जाता है तो ऑफकोर्स वो सब चले गए ऐसे तो जैसे मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग में आए थे तो ये था कि पहले तो हॉस्पिटल के फाइव डेज थे हॉस्पिटल में हम जैसे फाइव डेज रहना पड़ता है फाइव डेज के आन, आने के बाद हम रिया फेज में मतलब यहाँ पे आ गए थे तो स्टार्टिंग सुबह के लंच से एंड ऑल वो सब हो जाती है वॉशरूम जाने से एंड ऑल और फिर बाद में फिजियोस आते हैं दिन में दो बार फिजियोस होते हैं तो ये था कि जब फिजियो करते थे तो बॉडी रिलैक्स होती थी मैं तो, मैं तो यही बोलूंगा में सबसे एक मेजर रोल प्ले करता है फिजियो फिजियो से आपकी बॉडी रिलैक्स होगी आपके टेंडेंस और ये सब बेंडिंग ये सब उस पर डिपेंड करता है तो ये थे दिन में दो बार फिजियो होती थी एंड ऑल फिर बाद में खाना पीना था एंड ऑल तो सब ऐसा था कि घर जैसा लगता था ऐसा नहीं कि कहाँ पे आ गए एंड ऑल तो और कभी कुछ समझो हमें बुकार आ गया कुछ भी हो गया अगर बाय चांस तो हृदय सर है ये एनी टाइम अगर मेरे रूममेट थे जैसे उनको भी कुछ चाहिए था तो हृदय सर को मैंने कॉल किया कि सर ऐसा ऐसा है मेरे रूम को कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो हृदय सर रात को भी आ गए थे उनके तो ऐसा नहीं है कि कौन एक बार आपकी सर्जरी हो गई तो गए आप ऐसा नहीं है हरिदेश सर है यहाँ प्रॉपर स्टाफ है या नर्स है यहाँ तो के तो क्लीनिंग से लेके सब कुछ तो वो फेस में ऐसा था कि वो गर्जे से ही लगा करके ऐसे नहीं लगा के यार कहाँ पे आ गए एंड ऑल थोड़ा ऐसा लग रहा है ऑकवर्ड सा लग रहा है कि कैसे चले जाओ जाना है अभी तो होगा नहीं आ गया मेन तो मैंने क्रॉस किया था तो क्रॉस पे तो आपको ज्यादा टाइम देना पड़ता है बहुत तो वो फेस एक ऐसा था कि कभी फिर पूरा दिन का एक रहते ना रूटीन बन गया था कि अभी सुबह सर आए कराएंगे फिर बाद में मशीन लगेगी फिर उसके बाद में लंच मतलब लंच का टाइम हो जाता था फिर बाद में थोड़ा आराम करके कुछ आपका काम वाम कुछ कर लिया फिर वापस बाद में थोड़े टाइम के बाद फिजियो सेंड ऑन फिर आपके टी टाइम हो जाता था उसके बाद में अराउंड नाइन ओ क्लॉक आपका डिनर हो जाता था और टेन ओ क्लॉक तक टेन या इलेवन ओ क्लॉक तक सो जाते थे तो वही एक रूटीन था लेंथनिंग फेज में बाकी तो मैं बोलू मेरा टाइम सबसे ज्यादा फास्ट तो रिहा फेज में गया क्योंकि उसमें फिजियो होने के बाद हम जिम जाते थे जिम में स्ट्रेंथनिंग होती थी तो वहां पे तो स्ट्रेंथनिंग और बाकी जो मशीनस है वहां पे सब मशीन करते थे स्ट्रेंथनिंग करते थे वॉकिंग करते थे तो वो सब में टाइम बहुत ऐसा जाता था कि फास्ट हो गया एकदम से एक्सीलरेट हो गया जैसे बोलते तो तो नहीं चलेगा आपका टैंक में एक दूसरे से हाँ जैसे रहते हैं तो एक दूसरे से बातचीत होती है फ्रेंड्स हो जाते फ्रेंड सर्कल बन जाता है एक सा तो वो फैमिली टाइप हो जाते है पूरा एकदम ऐसे हो जाते तो ये था इनका अब तक का रिव्यू अब तक का एक्सपीरियंस हमारे साथ इट्स बिन सेवन मंथ एंड राइट नाउ ही इज़ इन रिकवरी फेज अभी भी इनका रिकवरी चल रहा है वॉक कर सकते हैं अपने आप को मैनेज कर सकते हैं क्रच से बट अभी भी प्रॉपर वॉक आने में इंडिपेंडेंस होने में मे बी एक और दो महीना और लगेगा इनको तब तक के लिए अगर आपकी कोई क्वारी है रिगार्डिंग लिम लेंदरिंग लिम रिकन्स्ट्रक्शन तो आप हमारे चैनल पर दिए गए नंबर पर अपनी क्वारी डाल सकते हैं थैंक यू thank